Hello everyone, welcome to Quantifiers. So, students, today I've taken a question based on number system, a very important concept. All of you should be aware of this. So please do try this question. Uh, now, before we move on to the question, let me tell you, agar aap ek serious cat aspirant or you ki upkey WhatsApp pe, aapko sari important information, sari important notifications aati rahe related to different colleges and different exams.

स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दू जिसके यूज से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो कंसेप्ट ये है कि ए रेस्ट टू दी पावर एन माइनस बी रेस्ट टू पावर एन इज ऑलवेज डिविजबल इज ऑलवेज डिविजिबल माइनस बी कहने का मतलब है चाहे जो एन है जो पावर है ए और बी की वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी याद रहे ए और बी की पावर सेम होनी चाहिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अगर मान लो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया राइट और हमें इसका फॉर्मूला पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी राइट स्टूडेंट सो यू कैन सी जब मैंने एन को इवन लिया है जब मैंने एन को इवन लिया है

देन ऑल्सो दिस कंडीशन होल्ड ट्रू तो आप सबने याद रखना है कि एन चाहे ऑर्ड हो चाहे इवन हो ए रेस्टू पर एन माइनस बी रेस्टू पर एन हमेशा ही डिविजल होगा ए माइनस बी से वेरी इंपॉर्टेंट आप सबको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ए और बी की पावर सेम होनी चाहिए जो पावर यहां होगी वही पावर यहां भी होगी ओके नो लेटस कम टू द्वेश्चन

ज इट इज डिविजल बाई हो पता लग रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारो ऑप्शन में से किस ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा तो क्योंकि दिस कैनोट बी दो नाउ स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन यू कैन से ट्वेंटी वन माइनस नाइन टू दी पावर ट्वेंटी वन आपको पता ही ये ट्वेंटी फाइव और नाइन दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर सो फर्दर आई कैन सिंप्लीफाइड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि 25, 5 का स्क्वायर है, तो पावर ट्वेंटी ऐसे स्क्वायर टू दी पावर भी लिख सकते हैं students, 42, अगर आप ध्यान दो फोर्टी टू

तो अगर हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करें ए टू दी पावर एंड माइनस बी टू पावर इज ऑलवेज डिविजिबल माइनस दिवीबल तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये चीज किससे डिवाइड होगी इट विल बी डिविजिबल बाय विल्वेंटी सेवन विच इज नाइन्टी एट तो ये 98 से भी डिवाइड हो रहा है और क्योंकि ये 98 98 से भी भी डिवाइड हो रहा है तो 98 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है ओके स्टूडेंट्स आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन सिमिलरली स्टूडेंट्स

थ्री टू दी पावर सिक्स भी इजी है इट इज नाइन का क्यूब और यू कैन से ट्वेंटी सेवन का स्क्वेर सो दी नाइन टू दी पावर सेवन अगेन स्टूडेंट्स कहने से दिस इज ऑफ द फॉर्म ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन तो ये किससे डिवाइड होगा इट विल डेफिनेटली बी डिजिबल बायस सेवन ट्वेंटी नाइन और स्टूडेंट्स अगर आप इसकी वैल्यू निकालो दिस कम्स टू बी वन फोर एट नाइन सिक्स तो ये वन फोर एट नाइन सिक्स से भी डिविजिबल है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है